पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, मणिपुर और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि आउसपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया है। इस फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने शांत और समृद्ध पूर्वोत्तर भारत की परिकल्पना को सही मायनों में साकार किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की वजह से लिया गया है। नागालैंड में 3 पुलिस स्टेशन रेंज से आउसपा हटाए गए हैं। ये पुलिस स्टेशन प्रदेश के वोखा और जुन्हेबोटो जिले में मौजूद है। साथ ही मणिपुर के भी 4 थाना क्षेत्रों लिमाखोंग, नामाबोल, मोइरांग और बोंगोई से भी सैन्य बल विशेष अधिकार कानून हटाया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने खुशी जाहिर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। द मणिपुरी एज ए होल वांट टू अप्रिशिएट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी फॉर लिफ्टिंग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फ्रॉम 4 मोर पुलिस स्टेशन ऑल टुगेदर नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट has lifted from 19 police station, Armed Forces Special Power Act. It is a good gesture showing to the people of the state and particularly in Manipur and showing to their good gestures and care, love to the people of the Northeast. Suddenly, without any provocation and a demand from the state, from the Northeast people, particularly from the people of the state of Manipur, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji lifted from the 19th police station, Armed Forces Special Power Act. It is a huge, you know what I should say. I would like to congratulate on behalf of the government of Manipur and on behalf of the people of the state to the Honorable Prime Minister for his care and love for all of the state. तो मणिपुर में 4 थाना क्षेत्र से आउसपा हटाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शरद चंद्र से। शरद, मणिपुर ने आउसपा को रद्द किए जाने के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी है, अब एक एक कर विभिन्न क्षेत्रों से आउसपा हटाए जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये राज्य के लोगों के लिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर मणिपुर की बात करें और आउसपा के खिलाफ की हमने जो काफी सालों से उसकी हमें ये सभी आउसपा के खिलाफ हमने कई बार हमें धरना देखने को मिली मणिपुर में। हाँ, आज मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने उनकी तरफ से और मणिपुर वासियों की सभी मणिपुर वासियों की प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें केंद्र सरकार को बधाई दी है। बधाई इस बात की है कि आज ताजा 4 और पुलिस स्टेशन की अंदर से ये अफसपा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को निकाल दिया गया है। कुल मिला करके अभी 19 पुलिस स्टेशन के अंदर से आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया गया है। हालांकि बीजेपी सरकार आने से पहले 6 पुलिस स्टेशन के अंदर 6 पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन की जो एरिया जो है उसमें से आपसपा हटाई गई थी कांग्रेस की, जब कांग्रेस सरकार थे। उसके बाद बीजेपी सरकार आते ही सबसे पहले उन्हें 9 और पुलिस स्टेशन से आपसपा हटाई गई थी और आज ताजा ये 4 और पुलिस स्टेशन, ये अगर मैं नाम लेना चाहूंगा कि लिमाखोंग पुलिस स्टेशन, नामाबोल पुलिस स्टेशन, मोइरांग पुलिस स्टेशन और वांगोई पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन की जो भी जो उनकी उनकी दायरे में जो आता है वो इलाका जो है उसी में से आफसपा को फिर से हटा दिया गया है। सबसे पहले मणिपुर सरकार की तरफ से, खास करके गृह विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को उन्हें लिखित में भेजी थी और केंद्र सरकार ने उसमें मंजूरी दे दिया गया। उस बात को लेकर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बधाई दिया गया है उनकी तरफ से भी और मणिपुर सभी मणिपुर वासियों के प्रतिनिधित्व करते हुए। ये आज उनने ये प्रेस वार्ता के समय उनने कहा है और उनकी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ये भी कहना है कि मणिपुर और मणिपुर वासियों की लगातार उनकी 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 अच्छे के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल बिल्कुल काम कर रही है। उसी नाते उनने
प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भी बधाई दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार जताया मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से शुक्रिया का अदा किया। गृह मंत्रालय का मणिपुर के 4 थाना क्षेत्रों से आफ्सपा हटाए गए हैं और मणिपुर में जिस तरह से आंदोलन हुआ करता था इरोम शर्मिला के नेतृत्व में आफ्सपा को रद्द किए जाने की मांग में, अब धीरे धीरे आफ्सपा हटने से लोगों में कहीं ना कहीं खुशी देखी जा रही है।